वेलकम बैक टू न्यू वीडियो जाए। और एक्चुअली अभी मैं बताने जा रहा हूँ गूगल बिजनेस वेरिफिकेशन के बारे में, बिल्कुल नई वेस्ट टाइम में। ठीक है, अभी देखो जी, ये ऐड रहा, आज के डेट क्या है, आज के टू डे 28 तारीख है, और ये मेरा ऐड चल रहा था, चलते चलते अकाउंट पॉज कर दिया, और एक इसका देखो एक क्लिक गया है और कॉल भी आया है। ठीक है, और कल का डेट में देखो, यस्टरडे है ना, कल का डेट में दो क्लिक गया है, पता नहीं कब कैसे क्लिक चला गया, आई डोंट नो। बट हाँ, ये टोटल आज के डेट में का दिखा रहा हूँ, ये आज के डेट में 28 तारीख है, टू डे ऐड चल रहा था, और ये मतलब मॉर्निंग में ही रात के मतलब रात के, मतलब आई मीन समझ सकते हो कि पॉज कर दिया है। ठीक है, तो इसको बिजनेस वेरिफिकेशन कराना है, हाउ टू डू बिजनेस वेरिफिकेशन, सो आप देखते रहिए मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब सिंपल स्टेप है, आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड करना है। गेट स्टार्टेड जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये पेज ओपन होकर आता है। तो मैं पहले से करके रखा हूँ दिखाने के लिए, ठीक है, नहीं तो ऐसे करते रहता था 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो लेट्स सी, देखो ये आपको ओपन होकर आएगा, कस्टमर आईडी मांगे, ये देखो ये वाली साइट है इसकी, इसका कस्टमर आईडी ये रहा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से इस नंबर को इसमें आपको डालना है। क्वेश्चन कस्टमर एक क्या बोल रहा है, फॉलोइंग क्वेश्चन आर रिलेटेड टू योर गूगल एड्स कस्टमर आईडी, ये डाल दिया। ठीक है, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फॉलोइंग क्वेश्चन आर रिलेटेड टू योर गूगल एड्स, नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन द फॉलोइंग क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द वेबसाइट एसोसिएटेड विद द कस्टमर आईडी अबव, मतलब इस कस्टमर आईडी से जो वेबसाइट चल रहा है ना उसको लगाना है, सिंपल सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू ये क्या बोल रहा है, द वेबसाइट प्रोवाइड अबव स्टिल एसोसिएटेड विद द कस्टमर आईडी अबव, यस कर दिया। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, व्हाट इज योर कंपनी नेम एसोसिएटेड विद द कस्टमर आईडी अबव लिस्टेड अबव, तो मतलब इस कस्टमर आईडी से मतलब जो लिस्टेड कंपनी नेम है तो कंपनी नेम डालना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद से डिस्क्राइब करना है कि क्या है, तो यहाँ से मैंने डिस्क्राइब हो रहा है योर मतलब अपने वर्ड में कुछ कंपनी के बारे में डिस्क्राइब करना है, क्या प्रोवाइड करते हो, कौन करता है, कैसे करता है, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ से कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, दज कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग सर्विस, तो पेड मार्केटिंग नहीं करते हैं तो नो। फिर क्वेश्चन हम नेक्स्ट बोल रहा है, डज आउटसाइड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी लॉग इन एजेंसी कस्टमर, मतलब इसको कहीं अदर जगह रजिस्टर है, इस आईडी से कहीं और कुछ यूज होता है, तो नहीं। ठीक है, उसके बाद से अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, इज द कंपनी नेम प्रोवाइड ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस बाय वेबसाइट, इस वेबसाइट के थ्रू क्या वर्क होता है उसको यहाँ पे वो करना है। ठीक है, तो बी टू बी तो नहीं होता है, तो हमें यस कंपनी इज नीडेड, कंपनी इज इन प्रोवाइड द प्रोडक्ट सर्विस, मतलब हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें हो गया। फिर उसके बाद से ये इसमें कुछ फर्द भरने को आ रहा है, देखिए प्लीज डिस्क्राइब इन कंज्यूमर एक्वायर्ड द प्रोडक्ट सर्विस एडवर्टाइजिंग वाया वेबसाइट, मतलब इस वेबसाइट के थ्रू क्या प्रोवाइड होता है, क्या पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट है जिस कंपनी को कंज्यूमर इंटरेक्ट करता हो, कब कस्टमर मिलता हो, वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, दैट्स इट, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो इफ यू नीड। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द कंपनी एडवर्टाइजिंग द वेबसाइट द बेस्ट डिस्क्राइब, मतलब कंपनी के क्या कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो ये प्रोडक्ट सर्विस है एडवर्टाइज करते हैं, और बस यही है, दूसरा कुछ नहीं डायरेक्ट, तो इसको यस कर दो। बाकी अगर कोई ब्रांड कोई प्रोडक्ट सर्विस एडवर्टाइज करते हो तो ये डाल दो, कोई आपका प्रोडक्ट सर्विस एफिलिएट मार्केटिंग हो तो ये डाल दो, या जो आपको लगे। ठीक है, मतलब आपको लगे जो आपका काम करे वो डाल दो, वो मैंने वहाँ पे डाल दिया। ठीक है, फिर एक बोल रहा है योर एसिफाइज द कंपनी यूजिंग एडवर्टाइजिंग थ्रू, मतलब एसिफाइज क्या ही करते, तो वेबसाइट है, ईमेल आईडी, दैट्स इट, इतना ही है, तो मैं इतना ही डाल दिया। फिर क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है, आर दे एनी फर्दर बिजनेस इन द डायरेक्ट इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द एडवर्टाइजिंग गुड्स और इन सर्विसेज यूजिंग द वेबसाइट, एग्जाम्पल दिया है SEO कॉल सेंटर, मतलब इस वेबसाइट के थ्रू क्या आप करते हो, बस सर्विसेज होता है जो इस वेबसाइट के थ्रू जो होता है सो कर दो, प्रोडक्ट सर्विस तो यस कर दिया, इस वेबसाइट के थ्रू क्या क्या काम होता है वो नहीं नहीं
मतलब ये क्या होते हैं, वेबसाइट के थ्रू क्या होता है, यस कर दो आप। ठीक है, उसके बाद से इस वेबसाइट, उसके बाद से देख सकते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप डाल दो। एक सेकेंड, इसमें क्या होता है, ये आप डाल सकते हो, नो कर सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में आप नो कर सकते हो, 9 में यस कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप कर सकते हो, आप क्या सर्विसेज है उससे कटिंग डालना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसको जो भी है आप देखते रहिए, व्हाट कम्युनिकेशन चल, कैसे कम्युनिकेशन होगा कस्टमर से वेबसाइट के थ्रू, तो इसके थ्रू होता है। तो जो जो है टिक इसमें कर सकते हो, इन पर्सन, फोन, वेब फॉर्म, ऑनलाइन चैट, ईमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, आप इफ़ यू आंसर एन ए क्वेश्चन फॉर योर चैनल कम्युनिकेशन नो, तो एन ए कर दो, नहीं है कुछ नहीं है, इसे इग्नोर कर दो। अगर कोई, अगर प्रोफेशनल लाइसेंस, GST नंबर, लाइक गवर्नमेंट लाइसेंस और कुछ है तो डाल दो, नहीं तो नो एडिशनल रिक्वायर्ड कर दो, नो एडिशनल लाइसेंस रिक्वायर्ड। ऐड चलाने के लिए मतलब कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं होता है, तो नो कर दो या आई डोंट नो कर दो। ठीक है, जैसे आपको लगे। उसके बाद से जो चीज़ आप बिलिंग एड्रेस में हो, बिलिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालो। ठीक है, उसके बाद ये करके आप ये चीज़ देखते रहो, क्वेश्चन नंबर सब 12, फिर से 13, मैं कैसे किया हूँ। तो उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है। जैसे यहाँ पे मैं सबमिट होगा, ये 24 घंटा के अंदर मैं अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।